सतनाम, मेरा नाम विजय आनंद है। मैं सोनी टीवी के नए शो दिल ही तो है मैं विजय पत्नून का कैरेक्टर निभा रहा हूँ और आज आप मेरे साथ पूरा दिन बिताएंगे। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे होती है। आई डू समथिंग कॉल कुंडलिनी योगा, तो 4:30 बजे का जो टाइम होता है उसे हम लोग अमृत वेला कहते हैं। उस समय जो आपकी एक कनेक्शन होती है विद स्पिरिचुअल एनर्जी, दैट्स एट द मैक्सिमम। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम टू वेक अप, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम टू मेडिटेट, एंड फॉर कुंडलिनी योगा इट्स अमेजिंग। एंड आफ्टर दैट वी कम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस फॉर अ वॉक, मी एंड माई वाइफ, आज वो नहीं है मेरे साथ, एंड दैट्स हाउ द डे स्टार्ट्स। पिछले 11 साल से 12 साल से जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पर आके मॉर्निंग वॉक करते हैं। लेकिन योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से वॉक का भी एक साइंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे चलते हैं, आपका पूरा एक मेंटल बैलेंस लेफ्ट साइड में गया, बॉडी का बैलेंस लेफ्ट साइड में गया, पूरे ऑर्गन्स, यहाँ के जो ऑर्गन्स हैं पूरे सप्रेस हो गए, आपका वो वॉक का कुछ फ़ायदा नहीं है। Walk has to be straight. When you're walking, you have to feel the pull of the nerve here. Even walking has a science. Walking also has an awareness. अगर आप अनुलोम विलोम आपको एग्जाम्पल दूँ तो ये मुद्रा है, उसकी उसका एक स्टाइल है करने का। आपका स्पाइन एक करेक्ट पोजिशन पर होना चाहिए, आपका क्राउन ऑफ द हेड है वो एक करेक्ट पोजिशन पर होना चाहिए। आप ऐसे टी वी पर देख के जो करते हैं दैट इज़ रॉन्ग, उससे आपको हानि ज़्यादा फ़ायदा कम होगा। वॉक हो गया, अब चलेंगे घर की तरफ जहाँ पर हमारा नाश्ता हमारे लिए वेट कर रहा है। एक हमारे चाचा के दोस्त हुआ करते थे, वो यूज्ड टू बी अ पायलट, वेरी हैंडसम मैन। तो बोले तू बेवकूफ है, हैं? ना तो तेरा बाप करोड़पति, ना तू लखपति, और तेरे पास ऑप्शन क्या है? तेको पता है लोग मरते हैं मॉडलिंग के लिए, तेको क्यों ना बोला? मैं बोला हाँ यार, ना क्यों बोलते रहता हूँ। तो अगली बार जब कोई आया मेरे पास कि भाई आप, वो बहुत बड़ी गाड़ी थी, वो गाड़ी से आदमी उतरा, बोला मैं चल रहा था रोड पे, बोला आपको मॉडलिंग करनी है? बोला हाँ करनी है। तो मैं फर्स्ट फोटो सेशन जैसे ही हुआ, फोटो सूखे भी नहीं थे और कैडबरी 5-स्टार का ऐड मिला। उसके बाद रेमंड्स किया, उसके बाद कम से कम 400 ऐड किए, मतलब बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स किए, ऐश्वर्या राय के साथ काम किया। एक बहुत फेमस शो हुआ करता था आसमान से आगे, जिसमें बहुत बड़ी स्टारकास्ट थी, अमृता सिंह, नवीन निश्चल, रीमा लागू, यू नो, एक पहली बार टीवी के ऊपर, डीडी के ऊपर इतनी बड़ी गैलेक्सी ऑफ स्टार, और डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट। उस दैट वाज माय बिगिनिंग, एंड देन व्हेन आई डिस्कवर्ड कुंडलिनी योगा, दैट्स व्हेन आई गिव अप एवरीथिंग टू बिकम अ योगा टीचर। मैं पूरे वर्ल्ड में जो योगा कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, योगा फेस्टिवल जो होते हैं, मैं उन फेस्टिवल्स में अब सिखाता हूँ। तो मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। रोज सुबह जब वॉक से वापस आते हैं, तो जब भी ऐसे टाइम होता है तो ये पूरी बिल्डिंग की, पूरी सोसाइटी की गार्डनिंग मैं खुद करता हूँ।
तो आज ब्रेकफास्ट में है पोहे महाराष्ट्र स्टाइल एंड मूंग दाल का डोसा। तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि घी आपके लिए अच्छा नहीं है। योगा और आयुर्वेदा और मैं आपको ये कहता हूँ कि घी आपके लिए इतना अच्छा है। हम लोग चम्मच से घी नहीं डालते हैं, हम लोग ऐसे घी डालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्यार तो होना ही था कि बाद मैंने एक्टिंग छोड़ दी। आई बिकेम एन आर्ट डीलर। उसका रीज़न ये था कि जितना आई लव आर्ट, जो मेरे पास जो पैशन है आर्ट के लिए, जो पागलपन है, दैट आई कुड कन्वर्ट इट इनटू अ बिजनेस एंड आई रियली लव्ड इट, आई रियली एन्जॉयड इट। तो मेरे घर में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, व्हाटएवर पेंटिंग यू सी, हर एक पेंटिंग की एक कहानी है, हर एक पेंटिंग की एक स्टोरी है। दैट्स शक्ति बर्मन। ये आर्टिस्ट जो है वो मेरी वाइफ का फेवरेट आर्टिस्ट है। ही लिव्स इन पेरिस। दिस इज़ अ भूपेन खक्कर। ये बहुत छोटी पेंटिंग है लेकिन कोई भी कीमत आप मेरे को देंगे मैं आपको ये सेल नहीं करूँगा। आई लव दिस पेंटिंग। ये जो होती हैं गाड़ियाँ, ये लोग कलेक्ट करते हैं। इट्स कॉल्ड अ डाई कास्ट मॉडल। इस साइज़ को बोलते हैं 1/43। तो ये कलेक्शन मैंने अभी रिसेंटली शुरू की है। ये सब दीज आर ऑल कलेक्टेबल कार्स। एक गाड़ी है जो सद्दाम हुसैन की, जो मर्सिडीज बेंज थी सिल्वर कलर की, वो मैंने ऑर्डर की है लंदन से, अब कुछ ही दिनों में आ जाएगी। और एक गाड़ी है जॉन एफ कैनेडी की, जो वो यूज़ करते थे पर्सनल, वो भी मैंने ऑर्डर की हुई है, वो भी आएगी। और ये हमारे घर की महारानी, अपने घर की लाडली सनाया आनंद। मैडम योगा करते हैं, इनको बड़ा होकर योगा टीचर बनना है डैडी की तरह। डैडी को आर्ट पसंद है तो मैडम को पेंटिंग भी बहुत पसंद है, बहुत पेंटिंग करती है। रोज़ के मेरे दो कैनवास खराब करती है नए नए। शूटिंग के टाइम की कुछ यादें हैं। जब नया नया मॉडलिंग शुरू किया था ना, तब ये सब बहुत संभाल के रखते थे। उन दिनों मॉडलिंग का सबसे जो मैक्सिमम मज़ा होता था वो ये था कि ये सारे कपड़े जो हम मॉडलिंग करते थे वो हमको घर लेके जाने पड़े, तो पैसे भी मिलते थे, ये कपड़े भी मिलते थे। ये है मेरी डॉटर का रूम। यहाँ पर उनकी ये फेवरेट फोटोज़ उन्होंने खुद चूज़ कर करके लगाई हैं। ये उनका फेवरेट सॉफ्ट टॉयज़ कलेक्शन। इनमें से कभी कभी सारी के सारे निकाल कर अपने पूरे बेड में सजा कर फिर उनके बीच में सोती है। मेरी आर्ट की बुक्स, अबाउट माई आर्ट कलेक्शन, ऑल द टॉप पेंटर्स, शक्ति बर्मन, एम एफ हुसैन। अब मैं आपको मेरा बेडरूम दिखाता हूँ। एंड दिस इज माई बेडरूम, माई कोजी नेस्ट। प्यार तो उन्हें था कि रिलीज के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा। 5 साल के बाद मुझे एक फ़ोन आया एक शो के लिए जिसका नाम था रात होने को है। तो पता नहीं क्यों मैंने बोला हाँ करूँगा। तो मैं बोला हाँ, मैं खुद सरप्राइज हो गया, मैंने बोला हाँ करूँगा। और 6 दिन का शूट था, वहाँ पे एंट्री ली और सामने मैडम बैठी थी। लव एट फर्स्ट साइट नहीं था। It's been a lovely journey with him. We both have changed in a good way in each other's company. और आशा करते हैं कि और हमारी वजह से इनके
के ऊपर भी थोड़ा असर पड़े, जैसे वो ही इज़ अ बिग स्क्रैबल चैम्पियन और उन्होंने बैकगैमन भी इंटरनेशनली खेला और वो ही वॉज नंबर टू. सो ऐसी वो चीज़ें या कोई या नंबर टू इन द वर्ल्ड. पहले इसे मैं जीता जागता ज्वालामुखी होता था, तो जब ये मैडम मुझे मिली तो एक बात का एहसास हुआ कि ये ज्वालामुखी कंट्रोल में तभी आता है जब ये मैडम आजू बाजू में होती है. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.